नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज बूस्टर में। और आज के अपने इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो भारतीय संविधान के तीन स्तंभ हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इनके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो जो विधायिका होती है, यानी विधायिका का जो काम होता है वो होता है विधेयक, यानी कि जो भी कानून बनाना है, जो विधेयक, जो बिल बनाना है, वो बनाने का काम होता है विधायिका का। और उस विधायी जो बिल बनेगा, जो विधेयक बनेगा, उसको लागू करने का काम होता है कार्यपालिका, यानी कि उसे जो एग्जीक्यूट करेगा, जो लागू करेगा, वो कौन करेगा? कार्यपालिका। ये काम है कार्यपालिका का। और इसे लागू करने में जो भी न्यायिक चुनौती आती है या कोई भी कानून का उल्लंघन करता है, तो उसे न्याय करने का काम होता है न्यायपालिका का। तो इस तरह से हमने एक बेसिक नॉलेज समझी कि विधायिका का क्या काम है, विधेयक जो बिल कानून है उन्हें बनाना, उन्हें लागू कराने का काम है कार्यपालिका का, और जो भी उनमें न्यायिक चुनौती आती है वो न्याय दिलाने का काम है न्यायपालिका का। तो आइए आप समझते हैं कि कार्यपालिका के, विधायिका के और इनके क्या क्या अंग होते हैं और कौन कौन इनके सदस्य होते हैं। तो अगर कार्यपालिका की बात की जाए तो कार्यपालिका दो स्तर पर हमारी होती है, एक होती है केंद्र स्तर पर और एक होती है ये राज्य स्तर पर। तो जो कार्यपालिका केंद्र स्तर पर जो काम करते हैं उनका हेड होता है राष्ट्रपति, जिसके पास कार्यपालिका की सारी नामित शक्ति होती है। तो ये कार्यपालिका का बिल्कुल प्रधान होता है राष्ट्रपति। इनके बाद आते हैं उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति के नीचे आते हैं प्रधानमंत्री, यानी कि जो भी प्रधानमंत्री के पास जो राष्ट्रपति की जो शक्तियां होती हैं उन सबका जो यूज करता है वो करता है प्रधानमंत्री। इसलिए प्रधानमंत्री को कहते हैं वास्तविक शक्ति, यानी जो भी राष्ट्रपति की शक्तियां होती है उनका यूज कौन करता है? वो प्रधानमंत्री करता है। इसके बाद फिर होता है मंत्री परिषद, जिसमें तीन तरह के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। तो इस तरह से कार्यपालिका जो केंद्र स्तर पर होते हैं ये उन सबके अंग होते हैं। जो राज्य स्तर पर कार्यपालिका है उनका हेड होता है राज्यपाल, और उसके नीचे होता है मुख्यमंत्री, और फिर होता है मंत्री परिषद। तो कार्यपालिका केंद्र स्तर पर ये होते हैं और राज्य स्तर पर ये होते हैं। इनका काम होता है जो भी विधेयक द्वारा जो बिल बना गया है उन्हें पास कराना। तो कार्यपालिका भी दो तरह की होती है, एक स्थाई परमानेंट और एक टेम्पररी, यानी कि अस्थाई। तो जितने भी ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब कार्यपालिका के जो होते हैं ये होते हैं अस्थाई कार्यपालिका के अंग। और जो भी हमारे अधिकारी होते हैं, जो IAS, PCS, जो सचिव के रूप में काम करते हैं, वो सब होते हैं हमारे स्थायी कार्यपालिका के अंग। तो कार्यपालिका दो तरह की होती है, स्थायी और अस्थायी। इसके बाद अब हम देखते हैं विधेयक। विधेयक भी दोस्तों दो स्तर पर होती है, एक केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर। तो जो केंद्र स्तर पर जो विधायिका होती है उनका काम होता है जो केंद्र सूची के विषयों पर जो कानून, जो विधेयक बनाने होते हैं, वो काम होता है केंद्र स्तर की विधायिका का। और जो राज्य स्तर की सूचियों पे जो कानून बनने होते हैं वो काम होता है राज्य स्तर की विधायिका का। और जो समवर्ती सूची होती है वो दोनों मिलकर वो उन विषयों पर कानून बनाते हैं। तो जो केंद्र स्तर पर जो विधायिका होती है उसे हम कहते हैं संसद, और संसद के भी दो अंग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और जो इनके जो लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उन्हें हम बोल
बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि एमपी, या फिर उन्हें बोला जाता है सांसद। इसी तरह से जो राज्य स्तर पर जो विधायिका होती है उसका नाम होता है विधान मंडल, और इसके भी दो होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो विधानसभा हर राज्य में होती है, मगर विधान परिषद वो ऑप्शनल है कि किसी राज्य में हो या ना हो। तो जो इनके जो मेंबर होते हैं उनको बोला जाता है विधायक। तो इस तरह से ये केंद्र और राज्य स्तर की जो विधायिका होती है इनका काम होता है विधेयक को बनाना। तो इस तरह से हमने कार्यपालिका और विधायिका को समझा कि क्या इनके कार्य होते हैं और क्या क्या इनके अंग होते हैं। इसके बाद आता है न्यायपालिका। तो न्यायपालिका जो है वो कार्यपालिका और विधायिका से बिल्कुल पृथक एक स्वतंत्र रूप में वो कार्य करता है। तो उसमें सबसे ऊपर होता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके बाद हाई कोर्ट, और फिर ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो कोर्ट होते हैं, सत्र न्यायालय, ये सब। तो इस तरह से इन्हें बिल्कुल इनसे स्वतंत्र बनाया गया है, जिससे ये किसी तरह का उन पर जो मजिस्ट्रेट होते हैं, जो जज होते हैं, उन पर कोई दबाव ना डाल सके, जिससे कि लोक हित में जो लोकतंत्र है उन्हें न्याय मिल सके। इनके प्रतिकरण का संविधान में भी सूची में दिया गया है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका से बिल्कुल अलग रखा जाए। तो इस तरह से ये जो केंद्र स्तर पर जो ये होता है सुप्रीम कोर्ट, और उसके बाद राज्य स्तर पर होता है हमारा हाई कोर्ट, और फिर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हमारा होता है। तो इस तरह से आज की अपनी वीडियो में हमने समझा कि कार्यपालिका क्या है, विधायिका क्या है, और न्यायपालिका क्या है। ये तीनों मिलकर जो भारत का संविधान है, जो भारत का लोकतंत्र है, उसके ये स्तंभ है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और जो आपके सुझाव हैं वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हम इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब बटन को दबाकर आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।